देखिए जयंत चौधरी का प्रभाव हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां जयंत चौधरी का प्रभाव नहीं है। जयंत चौधरी जहां भी ज़रूरत होगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वहां प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। ये सब कोई मतलब नहीं है, वो तो दलों में भी होता है कि हमको मंच पर जगह नहीं हुई, हमको बोलने नहीं दिया गया। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी मौजूद हैं। आज ये मीरापुर दौरे पर हैं और यहां पर बड़ी एक तैयारी की गई किस तरीके से इस बार मीरापुर जो विधानसभा का उपचुनाव होगा उसको जीतना है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि लगभग ये कन्फर्म माना जा रहा है कि मीरापुर जो विधानसभा सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ रही है। तो अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि क्या कंफर्म माने कि मीरापुर आरएलडी के खाते में आ रही है? अभी मंत्री जी भी अवगत करा रहे थे इस बात के बारे में। आज आरएलडी के खाते में केवल मीरापुर ही नहीं है, आरएलडी के खाते में 10 के 10 उपचुनाव वाली सीटें हैं। हम दसों पर एनडीए को मजबूती से लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये बताइए किस तरीके से देखेंगे। देखिए लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ मीरापुर विधानसभा पर, अब की बार कैसी तैयारी रहेगी पार्टी की? देखिए जो इसलिए हमारी तैयारी है कि हम बूथ लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करें। जिन बूथों पर हम चुनाव हार गए थे उन बूथों पर हम रणनीति बना रहे हैं कि उन बूथों पर हम इस बार जीतें और इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता लगाए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी ये खबरें चल रही हैं मीडिया में कि राष्ट्रीय लोकदल का हरियाणा में भी बीजेपी के साथ में गठबंधन लगभग तय है और 2 से 4 सीटें जा सकती हैं आरएलडी के खाते में। इस जो ये दावे किए जा रहे हैं इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए जो भी है वो दावे जो होगा नेड़े होगा तो सामने आएगा, लेकिन हमारा एनडीए के साथ हम हैं तो गठबंधन होना स्वाभाविक है, हो भी सकता है। अब ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा क्योंकि देखिए लगभग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हरियाणा का क्षेत्र लगता है और ये हमने राजस्थान में भी देखा, भरतपुर जो सीट थी वहाँ पर आरएलडी ने जीत दर्ज की। और क्योंकि इस बार ऐसा कहा जा रहा है हरियाणा में कि जाट बिरादरी जो है वो नाराज़ है, तो क्या जयंत चौधरी को चुनाव प्रचार में उतार करके कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा करके आपको लगता है अगर ये प्लानिंग करने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो एक अच्छी टक्कर दे सकती है कांग्रेस को? देखिए जयंत चौधरी का प्रभाव हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां जयंत चौधरी का प्रभाव नहीं है, चौधरी चरण सिंह की छाया नहीं है। इसलिए जयंत चौधरी जहां भी ज़रूरत होगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वहां प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मीरापुर के अलावा क्या देखते हैं आप, कितनी तैयारी? देखिए खैर में भी एक बड़ी तैयारी, अभी 2-3 दिन पहले सूबे के मुखिया आदित्यनाथ जी वहाँ पर आए थे तो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच में मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ अनबन हो रही है। किसी का कहना है कि हमारे जो नेता है उनका सम्मान नहीं किया जा रहा, पोस्टर्स में उनका चेहरा नहीं लगाया जा रहा, तो ये क्या ठीक है या फिर बेबुनियाद बातें हैं? ये सब कोई मतलब नहीं है, वो तो दलों में भी होता है कि हमको मंच पर जगह नहीं हुई, हमको बोलने नहीं दिया गया। ये पॉलिटिकल दलों में ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब इसका कोई मायने नहीं होता है। हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के लिए लड़ रहे हैं, एनडीए ही जीतेगा, ये हम लोगों की रणनीति है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी हमारे साथ में मौजूद थे, इनका ऐसा कहना है कि हम तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी है, लगभग ये भी तय है कि आरएलडी जो है वो मीरापुर के खाते में जा रही है, ऐसा एक इशारा हो चुका है, लेकिन अभी ये कोई भी कहने को तैयार नहीं है कि पूर्णतः आरएलडी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये तय है कि एनडीए गठबंधन के तहत आरएलडी और बीजेपी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और परिणाम क्या होंगे अब उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।